नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं डिजीज का नया इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि कॉन्स्टेंटिन बैटमैन की मदद लेकर एक टीम बनाता है और उस टीम को लेकर रॉक ऑफ इटर्निटी जाता है, लेकिन वहां पर उनका सामना कैप्टन मार्वल जूनियर से होता है जो जेसन तोड़ यानी कि रेड हुड को वही मार डालता है। इसलिए बैटगर्ल शेजम बन के कैप्टन मार्वल जूनियर को मार डालती है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम ऑस्ट्रेलिया में वो बंकर देखते हैं जिसमें पेंगुइन अमेजो की आर्मी के साथ छिपा हुआ था। तभी पेंगुइन प्रोफेसर इवो से पूछता है कि क्या ये तैयार है, जिस पर प्रोफेसर इवो पेंगुइन से कहता है कि लगभग ये तैयार है, जिस पर पेंगुइन प्रोफेसर इवो से कहता है कि तुम इतने टाइम से इस पर काम कर रहे हो फिर भी ये तैयार नहीं हुआ, जिस पर प्रोफेसर इवो कहता है कि ऐसे कामों में टाइम लगता है क्योंकि अगर एक भी कैलकुलेशन गलत हुई तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। लेकिन तभी पेंगुइन प्रोफेसर इवो को धमकाने लगता है, पर तब प्रोफेसर इवो पेंगुइन को अमेजो दिखाकर डरा देता है। यह सीन शिफ्ट होती है और हम साइबोर्ग को देखते हैं जो कहता है कि ये लाइफ इक्वेशन मेरे अंदर है और मेरा ब्लड रिकॉर्डेड हो चुका है, जिस पर सुपरबॉय साइबोर्ग से पूछता है कि अब क्या करे, जिस पर साइबोर्ग कहता है कि पता नहीं, मुझे इसका क्योर बनाने के लिए बायोकेमिस्ट की मदद चाहिए, जिस पर बैटमैन कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं एक बायोकेमिस्ट को जानता हूँ, जिस पर साइबोर्ग बैटमैन से पूछता है कि कौन है वो और अब तक वो कहाँ था, जिस पर बैटमैन कहता है कि वो यहीं पर है। ये कहते ही बैटमैन स्वाम्प थिंग के पास आता है। तभी स्वाम्प थिंग बैटमैन से कहता है कि जेसन के लिए मुझे बहुत अफसोस है, जिस पर बैटमैन कहता है कि ठीक है लेकिन मैं यहाँ उस आदमी से मिलने आया हूँ, जिस पर स्वाम्प थिंग कहता है कि मैं तुम्हारी बात समझता हूँ बैटमैन, एलेक हॉलैंड को मैं मिस करता हूँ। ये एलेक हॉलैंड वही है जो स्वाम्प थिंग बन गया है। तभी बैटमैन स्वाम्प थिंग से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि जेसन की मौत ही इस वायरस के हाथों आखिरी मौत हो और उसके लिए हमें एलेक हॉलैंड की मदद चाहिए, जिस पर स्वाम्प थिंग कहता है कि एलेक बुद्धिमान बायोकेमिस्ट था पर वो भी ये नहीं कर सकता है जो तुम कह रहे हो, जिस पर बैटमैन कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने जितने डॉक्टर्स और होशियार लोग हैं उनका दिमाग एक किया है। तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर फेथ, पॉइजन एवी, हार्ली क्वीन, फ्लैश, बैटमैन, डिटेक्टिव चिप, मेरी मार्वेल और साइबोर्ग के दिमाग जोड़ दिए गए थे। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि बैटमैन ने ये सबको एक किया है और उनके दिमाग ग्रीन से जोड़ दिए हैं। इनमें से पहला है डॉक्टर फेथ जिसके पास टेलीपैथिक पावर है और उसी के जरिए ये सब जोड़े गए हैं। फिर है स्वाम्प थिंग जिसमें एलेक हॉलैंड है जो कभी बायोकेमिस्ट था, फिर है पॉइजन आईवी जो डॉक्टर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी है, फिर है हार्ली क्वीन जो डॉक्टर ऑफ साइकोलॉजी है, फिर आता है वॉली वेस्ट जो तेज इंसान है, फिर आता है डिटेक्टिव चिम जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है, और फिर है मेरी मार्वेल, विजडम ऑफ सोलोमन, और फिर है साइबोर्ग जिसके पास टेक्नोलॉजी है, और आखिर में है बैटमैन जो यहाँ इसलिए है क्योंकि वो बैटमैन है। तभी सब लोग अपना दिमाग लगाते हैं। उसके बाद हम साइबोर्ग को देखते हैं जो सबसे कहता है कि हमारे पास अब वायरस का क्योर है। तो वही दूसरी ओर प्रोफेसर इवो पेंगुइन से कहता है कि अमेजो तैयार है, या साइबोर्ग कहता है कि हम इन्फेक्टेड को बचा सकते हैं, तो वही पेंगुइन कहता है कि हम इन इन्फेक्टेड का सफाया कर सकते हैं। यह कहते ही पेंगुइन अमेजो की आर्मी को छोड़ देता है जो सारे इन्फेक्टेड को मारने लगते हैं। इधर साइबोर्ग वो क्योर दिखाता है और कहता है कि ये रहा वो क्योर, बस हमें यह टेस्ट करके देखना होगा, जिस पर ग्रीन लैंटर्न कहती है कि हमें यह क्योर ओलिवर पे टेस्ट करना होगा, जिस पर मिस्टर मिराकल कहता है कि नहीं, सबसे पहले हम बिग ब्रैडर पे यह इस्तेमाल करेंगे। ये सुनते ही ग्रीन लैंटर्न स्कॉट से पूछती है कि उससे पहले क्यों, जिस पर स्कॉट ग्रीन लैंटर्न से कहता है कि मेरी बात को समझो ग्रीन लैंटर्न, अगर इस क्योर में गड़बड़ी हुई तो बिग ब्रैडर इतनी स्ट्रांग है कि वो सह लेगी लेकिन ओलिवर नहीं कर पाएगा, इसलिए पहले बिग ब्रैडर पे टेस्ट करते हैं और अगर ये इलाज सही रहा तो फिर हम ओलिवर को ठीक कर देंगे। ये सुनते ही ग्रीन लैंटर्न चुप हो जाती है। तभी हीरोज वंडर वुमन की तलवार जो ग्रीन लैंटर्न के पास है उससे एक छोटा सा हिस्सा निकालते हैं और उसे इस क्योर के लिए निडल बनाते हैं,
ताकि वो निडल बिग ब्रैडा के शरीर में घुस जाए। और तब स्कॉट फ्री, सुपर बॉय और ग्रीन लैंटर्न बिग ब्रैडा के पास आते हैं, जिसे मून पर कैद करके रखा था। तभी वे तीनों उस जगह पे आते हैं जहाँ पर बिग ब्रैडा को कैद करके रखा है, लेकिन देखते हैं कि वो वहाँ से गायब हो चुकी थी। ये देखकर स्कॉट चौंक जाता है, लेकिन अगले पल वहाँ पर बिग ब्रैडा आती है और स्कॉट फ्री पे अटैक करती है और स्कॉट फ्री को मारने वाली ही थी कि तभी सुपर बॉय बिग ब्रैडा के अंदर वो क्योर इंजेक्ट कर देता है। यहाँ बिग ब्रैडा अपने दोनों हाथों से स्कॉट फ्री को मारने वाली ही थी कि तभी वो शांत हो जाती है और अगले पल वो वायरस से ठीक हो जाती है। तभी बिग ब्रैडा कहती है कि स्कॉट, मुझे हुआ क्या था और हमारा बच्चा कैसा है? जिस पर स्कॉट बिग ब्रैडा से कहता है कि वो ठीक है और अब तुम भी ठीक हो। तभी बिग ब्रैडा सुपर बॉय और ग्रीन लैंटर्न से पूछती है कि कितने साल हो चुके हैं, जिस पर ग्रीन लैंटर्न कहती है कि 5 साल हो चुके हैं। ये सुनकर बिग ब्रैडा रोने लगती है, लेकिन तब स्कॉट उसे किस करता है। या कॉन्स्टेंटिन रैगमैन का क्लॉक उठा के फेंक देता है, लेकिन वो क्लॉक उसे दूर नहीं हो रहा था। लेकिन तभी दरवाजा तोड़ के जटाना अंदर आती है और कॉन्स्टेंटिन से कहती है कि तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? ये विज़ार्ड की छड़ी, मैडम ज़ेनेडो का क्रिस्टल बॉल और फिर ये स्पीयर ऑफ डेस्टिनी, ये सब लेकर तुम करने वाले क्या हो? क्या इसके लिए जेसन ने अपनी जान दी थी? जॉन, तुम्हें मुझे सच बताना होगा। ये सुनकर कॉन्स्टेंटिन जटाना से पूछता है कि क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? जिस पर जटाना कहती है कि नहीं, मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। जिस पर कॉन्स्टेंटिन कहता है कि आगे जाके बहुत बुरा होने वाला है और मुझे उसके लिए तुम्हारा साथ चाहिए। जिस पर जटाना कॉन्स्टेंटिन से कहती है कि तुम जो कुछ भी कह रहे हो वो स्पष्ट करो। जिस पर कॉन्स्टेंटिन ना कहता है। तभी कॉन्स्टेंटिन कहता है कि अगर मैंने तुम्हें बता दिया कि क्या होने वाला है तो तुम मुझे रोकोगी और ये मैंने इस बॉल के जरिए देखा है। लेकिन तभी वहां पर फैंटम स्ट्रेंजर आ जाता है। तभी फैंटम स्ट्रेंजर को वहां देखकर कॉन्स्टेंटिन कहता है कि अब ये यहाँ क्या कर रहा है? तभी फैंटम स्ट्रेंजर कॉन्स्टेंटिन से कहता है कि तुमने मैडम सनेडो का क्रिस्टल बॉल चोरी किया, तुम जो कर रहे हो उसे तुरंत रोक दो। जिस पर कॉन्स्टेंटिन कहता है कि अगर मैं रुक गया तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। तभी फैंटम स्ट्रेंजर कॉन्स्टेंटिन से कहता है कि क्या जटाना जानती है कि तुमने बोस्टन ब्रांड को कैद किया है? यह सुनकर जटाना गुस्सा होती है। तभी कॉन्स्टेंटिन फैंटम स्ट्रेंजर से कहता है कि मैं वो चीज करता हूँ जो दूसरे लोग कभी नहीं करते हैं, और तुम मुझे क्या जज कर रहे हो? तुम भी तो कांड करके आए हो। यह सुनकर फैंटम स्ट्रेंजर को गुस्सा आता है और वो कॉन्स्टेंटिन को पीछे फेंक देता है। लेकिन तभी कॉन्स्टेंटिन स्पीयर ऑफ डेस्टिनी निकाल के फैंटम स्ट्रेंजर को मारने आता है। लेकिन तभी वहां पे अचानक से बड़ी आग प्रकट होती है, जिसमें से जेसन ब्लड बाहर आता है और कॉन्स्टेंटिन से कहता है कि हमें बात करनी है। जिस पर कॉन्स्टेंटिन जेसन ब्लड से पूछता है कि क्या ट्राइगन यहाँ आ गया? जिस पर जेसन ब्लड कहता है कि हाँ, वो कभी भी यहाँ आ सकता है। और एक बात है जो तुम्हें जाननी चाहिए। यहाँ हम स्कॉट फ्री को देखते हैं जो बिग ब्रैडा को लेकर गॉथम गार्डन आ जाता है। तभी बैटमैन सुपर बॉय से पूछता है कि क्या कोई प्रॉब्लम हुई? जिस पर सुपर बॉय कहता है कि हाँ, पहले हमला किया था लेकिन फिर वो ठीक हो गई। तभी साइबॉग बिग ब्रैडा को स्कैन करता है और तब उसे पता चलता है कि ये क्योर काम कर रहा है। तभी साइबॉग सबसे कहता है कि हम कामयाब हो गए हैं, अब हम सबको बचा सकते हैं, हमें जल्दी इसका प्रोडक्शन शुरू करना होगा। लेकिन तभी वहाँ पर कॉन्स्टेंटिन आता है और कहता है कि हमारे पास समय नहीं है क्योंकि अमेज़ो की आर्मी इन्फेक्टेड को मारने में लगी है, तो वही ड्रैगन भी आ चुका है। तब यह सुनकर बैटमैन कहता है कि हमें एक प्लान बनाना होगा। जिस पर साइबॉग कहता है कि अमेज़ो इन्फेक्टेड को खत्म कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इन्फेक्टेड को ठीक कर देंगे तो उनके पास मारने के लिए कोई नहीं होगा। जिस पर डिटेक्टिव जिम कहता है कि ऐसा करने के लिए हमें तेज इंसान की जरूरत पड़ेगी और फिलहाल हमारे पास एक ही तेज इंसान है। तभी वॉली वेस्ट प्रोडक्शन से जुड़े हुए हर एक किताब पढ़ लेता है, जिससे उसे प्रोडक्शन कैसे शुरू करते हैं इसका अंदाजा हो जाता है। तभी फ्लैश तुरंत साइबॉक और सोमथिंग को मैग्नस लैब में लाता है, जो सबसे फास्टेस्ट लैब है। और तब वहां आके फ्लैश साइबॉक की मदद करता है वो क्योर का प्रोडक्शन करने में। इधर ट्राइगन आ जाता है और वो आते ही सारे लोगों को मारने लगता है। या हम कॉन्स्टेंटिन को देखते हैं जो जटाना और डॉक्टर फेट को एक जगह पे लाता है और जटाना से कहता है कि तुम यही बाहर रहो। यह कहते ही कॉन्स्टेंटिन और डॉक्टर फेट अंदर आ जाते हैं, लेकिन अंदर आते ही डॉक्टर फेट देखता है कि अंदर रिट्रीगन और फैंटम स्ट्रेंजर उसका वेट कर रहे थे। तभी कॉन्स्टेंटिन रैगमैन का क्लॉक पहनता है और डॉक्टर फेट से कहता है, डॉक्टर फेट, मुझे तुम्हारा हेलमेट और ये एमुलेट चाहिए। जिस पर डॉक्टर फेट कहता है, मजाक मत करो। जिस पर कॉन्स्टेंटिन डॉक्टर फेट से कहता है कि मैं जानता था
कि तुम यही कहोगे। यह कहते फैंटम स्ट्रेंजर विजर्ड का स्टाफ डॉक्टर फेथ के पेट में घुसाता है। तभी डॉक्टर फेथ फैंटम स्ट्रेंजर से पूछता है कि तुमने क्यों किया, जिस पर फैंटम स्ट्रेंजर कहता है कि कॉन्स्टेंटिन ने मुझे फ्यूचर दिखाया है जिसमें तुम हमारे काम में बाधा बनोगे, इसलिए तुम्हें रोकने के लिए यह करना पड़ा। जिस पर डॉक्टर फेथ कहता है कि मैं ये हेलमेट तुम्हें नहीं दूंगा और ना ही इसे मैजिक से निकाला जा सकता है। जिस पर कॉन्स्टेंटिन कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने ये स्टाफ लाया है। ये कहते ही कॉन्स्टेंटिन वो हेलमेट पर हाथ रखता है और दूसरे हाथ से वो स्टाफ ऊपर करता है और कहता है शज़ाम। ये कहते ही कॉन्स्टेंटिन वो हेलमेट निकाल लेता है। तभी सटाना अंदर आती है और देखती है कि डॉक्टर फेथ नीचे गिरा हुआ था। तभी सटाना कॉन्स्टेंटिन से पूछती है कि क्या तुम इसे कभी बाहर आओगे, लेकिन तभी कॉन्स्टेंटिन सटाना को किस करता है और फिर वो स्टाफ हेलमेट और एमुलेट लेकर वहां से चला जाता है और यहीं पर ये इश्यू कंटिन्यू होता है।